गाइस गुड मॉर्निंग। और मैं पहुंच गया हूं मंजीराबाद फोर्ट। ये बेंगलोर मैंगलोर वाली रोड के बिल्कुल ऊपर है। अभी मैं जहां से निकल के आया हूं वहां से ये अराउंड 10 किलोमीटर्स है जिस रिसोर्ट में हम थे, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। और दिस इज़ ए प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट एरिया। इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं पहले देता हूँ। दिस फोर्ट इज़ बींग बिल्ड बाई टीपू सुल्तान एट 1792। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश। और उसी टाइम पे उसके साथ बहुत सारे एनिमीज थे, तो टू मेक श्योर दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज किंगडम फ्रॉम देम ही मेड दिस फोर्ट। लेट्स गो इनसाइड। मंजीराबाद फोर्ट में टोटल 253 स्टेप्स हैं, तो यहाँ आने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्टिफ एंड यू नीड टू वॉक अलॉन्ग। ये बात है 1792 की, 1792, जब मैसूर का जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान, उनको लगा कि उनकी जो दुश्मन है बहुत बड़े जा रहे, और उसी टाइम पे उनको ऐसा एक फोर्ट बनाना था जो कैनन फायर से खुद को बचा पाए। एंड ही मेट वन फ्रेंच डिज़ाइनर, सो बेस्ड ऑन दैट फ्रेंच डिज़ाइन दे मेड दिस फोर्ट। I came. So when Tipu Sultan first arrived in this fort, it was all foggy, पूरा धुंधला सा था, और उनको ये fort बहुत अच्छा लगा because of its temperature and its invisibility. और उन्होंने इसको मंजीराबाद नाम दिया। मंजीराबाद is a term that has been coined from the Kannada word manju. Manju in Kannada word is called fog. So manju ka jagah manjirabad, it's a urdu plus kannada mixture, aur usi ke upar base karke unhone ye fort ka naam diya manjirabad fort. ye jo fort tha ye basically ek garrison hai, tipu sultan kabhi rahe nahi, but it was a very important place for him, very important fort to connect between bangalore mangalore and kurg and mysore. सो ये बिल्कुल बीच में है। इफ यू सी द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ दिस फोर्ट, इट इज ऑल इन बिटवीन दिस टू बिग सिटीज। अभी मैं फोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, जो इंटरनल है। इट वॉज एक्चुअली द आउटसाइड गैरिसन जो मैं आपको दिखा रहा था। नाउ लेट्स गो इनसाइड ऑफ दिस फोर्ट। मैं फोर्ट के ऊपर जा रहा हूं, और ये ऊपर से देखिए द स्टार शेप दैट वाज मेड। ये जो फोर्ट है ये कंपैरेटिवली छोटे साइज का है, बट जियोग्राफिक लोकेशन और डिजाइन में ये बहुत ही अव्वल था। ये जो आप देख रहे हो दैट्स ए कैनन एरिया। हर एक स्टार के जो कॉर्नर्स है द ट्राइंगल शेप, वहाँ पे कैनन फिट करने का जगह था। और ये डिज़ाइन इसलिए दिया गया था ताकि उस टाइम पे कैनन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। तो स्टार शेप बनाने में इनको क्या हुआ, इनको स्लाइडिंग एरियाज मिल गए। सो कैनन बॉल्स आर नॉट दैट इफेक्टिव एज इट वॉज ऑन अदर फोर्ट्स। सो दैट मेक दिस फोर्ट यू नो So after the fall of Tipu Sultan's Hyder Ali's kingdom, again the Udiyar family of Mysore have taken care of this fort, or till Independence Day tak ye fort unke under mein tha, jo Mysore ruler ke under mein. So basically the fort was built by Tipu Sultan, as I said earlier, and then being ruled for a long time after the death of Tipu Sultan by the Udiyar family. इस फोर्ट बनाने में टिपू सुल्तान को ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगे, बट द इनिशियल फोर्ट वॉज बिल्ड इन ए सिंगल डे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस फोर्ट, दैट ही पेड सो मच, ही पुट सो मच एफोर्ट इन दिस फोर्ट टू बिल्ड इट इन वन डे।
ये इंटरनल गैरिसन वेल है, इसके अंदर आपका पुराने ज़माने में जो एलिट क्लास के जो आर्मीज रहते थे टीपू सुल्तान के, वो रहते थे, एंड दे आर द लास्ट डिफेंस ऑफ दिस फोर्ट। तो मुझे, मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ वो गैरिसन इंटरनल एरिया है, जिसके अंदर से आप अगर नीचे जाओगे तो वहाँ पे कुकिंग का बंदोबस्त था, और जो टीपू सुल्तान की एलिट आर्मीज थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। और ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ, ये ओपन पोर्शन है, ये उस ज़माने में ओपन नहीं हुआ करता था, यह पूरा ढका होता था, ताली की छत हुआ करती थी। जब ब्रिटिश यहाँ पे टीपू सुल्तान की आर्मी को हराया, उनके बाद इन्होंने पूरा आग लगा दी थी इसमें। सो यू विल गेट ऑल दिस बर्निंग स्पॉट्स हियर इन दिस फोर्ट। ये मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बट ये जो है ये वो एरिया है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट टूट गया है। ये सीढ़ियों से नीचे बिल्कुल जो आर्मी लोग नीचे जाते थे, वहाँ पे गन पाउडर को स्टोर किया जाता था, क्योंकि ये गैरिसन जो मैंने बताया, ये गैरिसन बेसिकली कैनॉन फाइट के लिए बना था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गन पाउडर की ज़रूरत थी, और ये सारा गन पाउडर इसी रूट से वो लोग अंदर लेके जाते थे। मैं अंदर जा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही गंदा है और बहुत ही डरावना है। आई बिलीव देयर विल बी लॉट ऑफ रोडेंट्स एंड स्नेक। तो ये तो था मंजीराबाद से, हाँ आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे मंजीराबाद फोर्ट से, देखते हैं ऑन द वे टू चिकमंगलूर अभी क्या मिलता है। यहाँ पे एक फेमस हिल है, आई कैनॉट रिमेंबर द नेम, बट व्हेन आई रीच देयर डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड वीडियो ऑफ दैट साइट। तो तब तक के लिए मेरे साथ चलते रहिए, थैंक यू टू बी विद मी, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एंड बी विद मी, थैंक यू। सी ये दिया जलाने का, क्योंकि यह फोर्ट का एंट्रेंस था जो इंटरनल एंट्रेंस है, और यहाँ पे उस टाइम पे टीपू सुल्तान की आर्मियाँ खड़ी रहती थी। ಮಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೌಮಿತಾ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ನಾನು। हम लोग देवरामानी के रास्ते पे हैं और पिक जा रहे हैं। और मैं पहुंच गया हूं देवरामानी पिक। अभी यहां से थोड़ा सा मुझे अराउंड 500 मीटर्स चढ़ना पड़ेगा, बट द वेदर इज़ सो गुड हियर। धूप बिल्कुल भी नहीं है, 2 बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं अभी, और वेदर भी बहुत अच्छी है। इट्स नॉट हीट, इट्स नॉट ह्यूमिड, नॉट टू कोल्ड, द वेदर इज़ सो गुड। सो चलते ऊपर और देखते हैं वहाँ पर क्या है और वहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। यहाँ के जो पत्थर हैं वो स्लेट टाइप के पत्थर हैं, इट डजेंट लुक लाइक इट्स अ वेरी ओल्ड हिल दैट वाज बिल्ट, ये थोड़ा सा नया ही बना होगा शायद। ये चेन्नागिदे जानो इधर बैक नंगे हां टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हां विद द यस फाइनल गेट अ ब्यूटीफुल शॉट। ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ। You got your camera?